अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया टू यूई इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर के बहुत सारी खबर आ रही है कि 6 जुलाई या फिर 7 जुलाई या फिर 21 जुलाई के बाद चालू हो सकता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चालू होगा 21 जुलाई को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6 जुलाई को चालू होगा, 7 जुलाई को चालू होगा। लेकिन एक्चुअली रियली न्यूज़ क्या है, सच्ची न्यूज़ क्या है, वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो आपको देखिएगा ताकि आपको अच्छी और ठीक और पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी हेल्प हो सके। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले कि 7 जुलाई को जो है कि इंडिया टू यूई फ्लाइट चालू होने वाली है, लेकिन अब न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि 21 जुलाई को चालू होगी। उसके बाद जो आज की रिपोर्ट है, ताज़ी खबर जो है, वो जो है कि एमिरेट्स एयरलाइंस की तरफ से ये आ रही है कि एमिरेट्स एयरलाइंस ने ट्वीट करके बताया ये है कि अभी तक इंडिया टू यूई के लिए फ्लाइट चालू करने को लेकर के एमिरेट्स एयरलाइन के पास कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। और उसने मजीद उसमें ये भी कहा है कि आप जो है कि हमारे वेबसाइट पे, यानी एमिरेट्स एयरलाइंस ने ये कहा कि एमिरेट्स एयरलाइन के वेबसाइट पे बराबर आप चेक करते ही रहिए ट्रेवल अपडेट्स, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो वहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। और इसी तरह से किसी और शख्स ने पूछा है तो उस पर भी एमिरेट्स एयरलाइन ने यही जवाब दिया है कि आप हमारा वेबसाइट को मॉनिटर करते रहिए इंडिया टू यूई फ्लाइट के लिए। एक और बंदे ने एमिरेट्स एयरलाइन के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके पूछा है तो उसने जवाब में ये दिया है, हेलो अशरफ, वी नॉट रिसीव एनी फर्दर अपडेट्स ऑन आवर फ्लाइट रिजर्वेशन फ्रॉम इंडिया, प्लीज कंटिन्यू टू मॉनिटर फॉर ट्रेवल अपडेट्स एंड राइट फ्लाइट अवेलेबिलिटी। यानी कहा यह गया है कि आप हमारे वेबसाइट को बराबर चेक करते रहिए और जैसे ही फ्लाइट चालू होगी वहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। और ख़बर निकल के ये आ रही है तुर्की से कि तुर्की ने जो पांच कंट्री, इंडिया समेत पांच कंट्री की फ्लाइट बैन की है ड्यू टू न्यू कोरोना वायरस का जो वेरिएंट आया है उसकी वजह से। और ख़बर निकल के ये आ रही है फिलीपीन की तरफ से, फिलीपीन ने इंडिया से ट्रेवल के लिए 15 जुलाई तक जो है कि फ़्लाइट को बंद कर दिया है। और यहाँ पे ख़बर निकल के ये भी आ रही है कि दुबई के ऐलान से उलट संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के विमानों की एंट्री पर कायम रखा है बैन, फिलहाल राहत नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने अभी तक इंडिया टू यूई फ्लाइट के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई है और फिलहाल राहत नहीं है, कंटिन्यू टू बैन।